प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ की गोपालपुरा हवाई पट्टी पर 11 तारीख को यहां उतरेंगे और एक जनजातीय सम्मेलन में शिरकत करेंगे। एक बड़ा क्राउड यहां पर इकट्ठा होने वाला है और मेरे साथ मौजूद हैं एसपी झाबुआ अगम जैन साहब, क्योंकि पुलिस की बड़ी भूमिका है। सर, एक बड़ा क्राउड होगा, क्या है मैनेजमेंट की व्यवस्था? बहुत यहाँ पर अच्छी व्यवस्था की गई है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर आने का तय हुआ है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर हमारे विभाग के सीनियर ऑफिसर्स और प्रशासन के भी सीनियर ऑफिसर्स सभी आए हैं और सभी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, और एसपी जी और भी अन्य विभाग जो हैं सबसे टाई अप करके एकदम बेहतरीन व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। कुल कितने पुलिसकर्मी सर इस दिन ड्यूटी पर तैनात रहने वाले हैं? लगभग 2500 के आसपास पुलिसकर्मी हमारे पूरे कार्यक्रम को संभालेंगे। सर, कितने जगह से एंट्री एग्जिट का प्लान है, क्या प्लान डिसाइड हुआ है क्राउड मैनेजमेंट के लिए? हम ट्रैफिक के हिसाब से भी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। राणापुर के लोग अलीराजपुर के कहाँ से आएंगे, धार के कहाँ से आएंगे, रतलाम, पेटलावद, मेघनगर, थानला के कहाँ से आएंगे, पूरी प्लानिंग की जा रही है और शाम तक या कल सुबह तक उसको प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सभी को बता भी दिया जाएगा। उसी के साथ साथ कार्यक्रम स्थल में अंदर आने में भी कहाँ से एंट्री एग्जिट्स रहेंगे, हम बहुत वृहद स्तर पर उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, तो वो भी सब तक पहुँच जाएगा। यहाँ सर आने वाले लोगों के लिए कोई सुझाव या अपील जो आप करना चाहें? मैं आप सबसे यही सुझाव करना चाहूँगा कि क्योंकि यहाँ पर फुल प्रूफ चेकिंग के बाद ही एंट्री दी जा रही है, तो कोई भी अपना कीमती सामान अपने साथ लेकर के ना आए। 2-3 घंटे 4 घंटे का कार्यक्रम रहेगा, तो उस हिसाब से अपना पूरा आप तैयार होकर के आएँ। और भी कोई ऐसी चीज़ जो नुकीली हो या गुटखा तंबाकू इत्यादि या कोई नशीला पदार्थ हो, तो उन सबको कोई भी लेकर के ना आए, क्योंकि वो फिर उसको अंदर एंट्री नहीं मिल पाएगी या उनको बाहर ही रखवा लिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का शेड्यूल क्या होगा झाबुआ में? 11 तारीख का कार्यक्रम है और दिन का शेड्यूल रहेगा, प्रॉपर मिनट टू मिनट हम बाद में कन्वे कर देंगे। तो ये थे एसपी झाबुआ गमजैन साहब, बता रहे हैं कि किस तरीके की सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। करीब 2500 के आसपास यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, अधिकारी तैनात हैं, और एक समन्वय बनाया गया है। एसपी जी की टीम भी आई है, एंटी टेररिस्ट ग्रुप भी आया है, एमपी पुलिस भी है, और जो इंफॉर्मेशन से जुड़े हुए जो गुप्तचर सेवा है उसके अधिकारी भी यहाँ पर तैनात हैं। सारे चप्पे चप्पे को कॉर्डन ऑफ किया गया है, लोग यहाँ पर तैनात किए गए हैं। सिविल ड्रेस में भी बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात होंगे और अपनी ड्यूटी देंगे। वैसे भी आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे ज़्यादा हाई सिक्योरिटी है देश में, और इसीलिए उनकी सुरक्षा में कोई चूक न हो पाए उसके लिए तमाम इंतज़ाम पुलिस के साथ साथ खुफिया विभाग की एजेंसियां कर रही हैं। एनएसजी के कमांडो भी यहां पर आना शुरू हो गए हैं, और जो इंडियन एयरफोर्स का चॉपर है वो भी आने शुरू हो गए हैं। एसपीजी कमांडो से वो घिरे रहेंगे और एसपीजी की टीमें तमाम यहां पर आकर पूरे इलाके को देख चुकी हैं। मंच पर कौन होगा, पब्लिक कितना दूर होगी, किस तरीके से एंट्री होगी, स्कैनर लगाए जाएंगे, कई तरीके के इंतज़ाम किए जा रहे हैं। तो जब अगर आप भी इसमें शामिल होने आ रहे हैं, तो हमारी ओर से एक सुझाव है कि आप कम से कम काला कपड़ा पहन के ना आए, काली शर्ट, काली टी शर्ट, काली पैंट, क्योंकि इसको आपको पुलिस उतार सकती है, आपको रोक सकती है अंदर प्रवेश लेने में। मोबाइल फ़ोन आपको स्कैन कराने होंगे, अगर आप मीडिया से हैं तो आपको अपने कैमरे स्कैन कराने होंगे, माइक आईडी स्कैन करवानी होगी। गुटखे तंबाकू लेकर ना आए, पानी आपको अंदर उपलब्ध होगा, तो ये इंतज़ाम किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनज़र हमने आपको एसपी झाबुआ का ये इंटरव्यू बताया, आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।